मेरे प्यारे अंधेर नगरी वासियों, हमें अपने राज्य को दूसरे राज्यों की तरह मॉडर्न बनाना होगा। इसीलिए मैं मॉडर्नपुर से आप सभी के लिए एक खास चीज लेकर आया हूँ। अगर आप में से कोई भी इसे पहचान कर इसके बारे में बताएगा, उसे $1,000 का इनाम दिया जाएगा। भाई, महाराज जी कैसे डिब्बे जैसी अजीब सी चीज लाए हैं? और डल्ले क्या होते हैं जिसका इनाम मिलने वाला है? मुझे तो लगता है डल्लर खाने की कोई स्वादिष्ट चीज है और वो शायद इसी डब्बे में रखी है। इसमें बटन लगे हैं महाराज, तो मुझे लगता है ये कोई संगीत बजाने का यंत्र है। महाराज, मुझे तो ये खूबसूरत सी गुल्लक जैसी लग रही है जिसमें बटन दबाकर दूसरे से अपने पैसों को सुरक्षित रखा जा सकता है। नहीं, आप सभी के जवाब बिल्कुल गलत हैं। ये टेलीफोन है। टेलीफोन? टेलीफोन? हाँ, टेलीफोन। इससे हम यहाँ बैठकर दूर के किसी भी दूसरे इंसान से बात कर सकते हैं। भाई, ऐसा कभी सुना है क्या? कैसा भी भला हो सकता है? मुझे तो लगता है महाराज मॉडर्नपुर से कोई जादू सीख कर आए हैं। अरे जादू नहीं, काला जादू। बोल काला जादू। हाँ भाई, बात तो अजीब सी ही लग रही है। चलो महाराज से ही पूछ लेते हैं। महाराज, माफी चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है कि यहाँ बैठे बैठे दूर के किसी इंसान से बात की जा सके? क्या ये कोई जादू है? ये जादू नहीं, टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी? महाराज, क्या ये आदमी को टकला करने का सामान है? नहीं, ये एक मशीन है, एक यंत्र है, एक उपकरण है। और मैंने बताया ना, ये दूर से बात करने का यंत्र है, टकला करने का नहीं। आप लोगों के दिमाग में ये बातें नहीं आएंगी। जब ये काम करने लगेगा तब हम आपको इसके बारे में अच्छी तरह समझाएंगे। हाँ जी, मैं टुल्ली फोन से बोल रहा हूँ, अंधेर नगरी से। आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप भी अंधेर नगरी से टोली फोन से बोल रहे हैं? वाह जी वाह, बड़ा अच्छा सा लगा सुनकर। बहन, सुना तूने कल चमेली के टेलीफोन का कनेक्शन कट गया? सुना है उसके पति ने बिलवा नहीं भरा था। हाँ बहन, मैंने तो ये भी सुना है कि वो तो बस दिन भर सहेलियों से गप्पे मारती रहती है। और एक मुझे देख, मैं तो रोजाना बस तुझसे बात करती हूँ। और नीना, दीपा, मीना, शीला, कमला और विमला से बात कर लेती हूँ। और कभी कभी सोना, मोना, चंपा, रमा, देवकी, रानू, पिंकी और चिंकी से बात कर लेती हूँ। बाकी मैं किसी से बात नहीं करती। हाँ मंत्री जी, राज्य की वार्षिक रिपोर्ट बताओ। महाराज, इस बार राज्य भर में टुल्ले फोन लगाने के खर्च के कारण शाही खजाने में $5,00,000 की कमी हो गई है। ओह, तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। इस बार गप्पे मारने का टैक्स 100 गुना बढ़ा दो। लेकिन महाराज, पिछले महीने ही तो हमने खांसी और छींक आने पर 200 गुना टैक्स लगाया था, तो क्या गप्पे मारने का टैक्स 100 गुना सही होगा? क्या कहा? वो टैक्स 200 गुना था, तो इसे भी 200 गुना कर दो। प्यारे अंधेर नगरी वासियों, इस बार हम और भी ज्यादा स्पेशल चीज लाए हैं। पहले आप ये बताओ कि ये क्या है। जो भी सही जवाब देगा उसे 1,00,000 रुपया इनाम मिलेगा। अब महाराज, ये क्या ले आए?
एक निमट, ये तो देखने में तुनतुना जैसा लग रहा है। अब ये तुनतुना क्या बला है? भाई कल ही तो मैं टेलीविजन पर फिल्म देख रहा था, उसमें हीरो के पास एक ऐसी ही डिब्बी थी और वो तुनन 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 की आवाज कर रहा था, तो मैंने इसे तुनतुना नाम दे दिया। महाराज ये तुनतुना है। महाराज ये धोखे बाज है, इनाम मैंने बताया लेकिन इनाम के लालच में इसने बता दिया। क्यों रे, मेरे दरबार में धोखाधड़ी, उठ और चल मुर्गा बन जा। लेकिन महाराज। ज्यादा ना बोल वरना कौवा बना दूंगा, इसीलिए चुपचाप मुर्गा बन जा। चलो अब कौन बताएगा कि ये क्या है? महाराज इसके बटन देखकर तो मुझे ये टुल्ली फोन का छोटा बच्चा लग रहा है, मगर ये इतना छोटा है इससे बात कैसे होगी? बात तो होगी, ये मोबाइल है मोबाइल, टुल्ली फोन की तरह इससे दूर रहकर किसी से भी बात हो सकती है, लेकिन सबसे सफेसल बात है कि टुल्ली फोन को कहीं भी नहीं ले जा सकते, लेकिन इसे जेब में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं। हाँ बहन सही सुना है, चमेली के पति ने मोबाइल तो खरीद लिया लेकिन वो चमेली को उससे बात करने नहीं देता। पुराने जमाने की औरत है ना, बेचारी आज भी उसी पुराने टेलीफोन से अपनी सहेलियों से बात करती है। दुहाई है महाराज दुहाई है, कल्लू ने मुझे धक्का दिया और मेरा मोबाइल गिरकर टूट गया, अब वो मेरे मोबाइल की कीमत नहीं चुका रहा है, न्याय कीजिए महाराज न्याय कीजिए। न्याय अवश्य होगा, कल्लू को पकड़कर लाया जाए। क्यों रे कल्लू, तूने फरियादी गुल्लू को धक्का क्यों दिया जिससे उसका मोबाइल टूट गया? महाराज रहम करें, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, चंपू चाट वाले ने मेरी चाट में इतनी मिर्च डाल दी कि मेरा मुंह जल गया और पानी पीने की जल्दी में गलती से धक्का लग गया। चंपू चाट वाले की ये हिम्मत, जाओ उसे पकड़ कर लाओ। क्यों रे चंपू, तूने चाट में इतनी ज्यादा मिर्ची क्यों डाली कि चाट खाकर कल्लू का मुंह जल गया और उसके धक्के से गुल्लू का मोबाइल टूट गया? पिछली बार तूने भी हमारी चाट में मसाला तेज कर दिया था। माफ कर दीजिए महाराज, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं, हर बार सल्लू मसाले वाला मसालों में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है, इस बार उसने हद से ज्यादा तीखी मिर्च भेज दी, एक चुटकी डालो तो 10 चम्मच के बराबर तीखी मिर्च है। चंपू को छोड़ो और सल्लू को पकड़ कर लाओ तुरंत। क्यों रे सल्लू, ये क्या बदतमीजी है, तेरी तीखी मिर्च की वजह से गुल्लू का मोबाइल टूट गया, तुझे सजा मिलेगी। महाराज रहम, महाराज रहम, मेरा क्या कसूर जब बदरी किसान ने ही मुझे ऐसी मिर्च बेच दी जो हद से ज्यादा तीखी थी। सल्लू को जाने दो और बद्री को पकड़ कर ले आओ। क्यों रे बद्री के बच्चे, ऐसी तीखी मिर्च क्यों उगाता है जिससे लोगों के मुंह जल जाते हैं और लोगों के मोबाइल टूट जाते हैं? महाराज मैं क्या करूं, सेखू बीज वाले ने मुझे इसी मिर्च के बीज बेच दिए थे। तो जाओ सेखू को धर दबोचो और हमारे पास ले आओ, बचकर जाने ना पाए। क्यों रे शेखू नालायक, गलत बीज बेचकर मुनाफा कमाता है, तेरे गलत बीज के चक्कर में गुल्लू का मोबाइल टूट गया, अब उसके पैसे कौन भरेगा, तू या तेरे फरिश्ते? महाराज गलती मेरी नहीं, वो तो कोतवाल साहब की सवारी बड़े धूम से निकल रही थी, उसी को देखकर मैं हक्का बक्का रह गया,
और गलती से भूत जो लकिया मिर्च के बीज की पुड़िया बांध कर दे दी। तो गलती कोतवाल की है, जाओ पकड़ लाओ कोतवाल को। क्यों रे कोतवाल, खा खा कर मोटा कद्दू हो गया है, भागना तो दूर, तू तो पैदल भी नहीं चल सकता, फिर चोर लुटेरों को कैसे पकड़ेगा? और तू ऐसी धूम से सवारी कब से निकालने लगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? इतनी धूम से सवारी तो मैंने भी कभी नहीं निकाली। गलती हो गई महाराज, अब ऐसी सवारी कभी नहीं निकालूंगा और गुल्लू को नया मोबाइल भी दिला दूंगा। मोबाइल के पैसे तो तुझसे ही वसूले जाएंगे, लेकिन तेरी वजह से हमें कितने सारे लोगों को पकड़कर यहाँ बुलाना पड़ा और इस वजह से हमारा पूरा दिन भी खराब हो गया, तुझे तो फांसी पर लटकाना पड़ेगा। लेकिन महाराज मैं क्यों बकरी की तरह मैं कर रहा है, ये ज्यादा बोले उससे पहले ही इस मोटे को फांसी दे दो और इससे पहले पैसे वसूल कर लेना, गुल्लू को नया मोबाइल भी दिला देना। ये सभा यहीं समाप्त होती है। वाह दोस्त टपलू, देख ये शहर तो बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। हाँ पपलू, यहाँ तो जिसे देखो मोबाइल में भी सी है, लगता है बहुत एडवांस शहर है। हाँ लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, लेकिन एक बात नोटिस की, यहाँ सभी के पास नॉर्मल फोन है, स्मार्टफोन किसी के पास नहीं। हमें इससे क्या मतलब, चाहे ये कोई भी फोन यूज करे। हाँ भाई, हम तो वर्ल्ड टूर पर निकले हैं और हमें तो दुनिया भर की नई नई जगह और नए नए शहर देखने हैं। मुझे बड़े चोरों की भूख लगी है, यहाँ घूमने से पहले कुछ खा पी लेते हैं। हाँ यार भूख तो मुझे भी लगी है, देखो वहाँ सामने रेस्टोरेंट है, तू ऑर्डर कर, तब तक मैं कुछ फोटो लेकर आता हूँ। भर खाने में क्या क्या है तुम्हारा मेनू, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। सब्जी हमारे यहाँ मिलेगा, चना अंधेरी, चना पनीर, मिक्स वेज अंधेरी, अंधेरी दाल, दाल अंधेरी तड़का, शाही अंधेरी पनीर, चिली अंधेरी टिक्का, अंधेरी भरता, मिस्सी अंधेरी, अंधेरी नान, तवा अंधेरी। बस बस भाई बहुत है, तो बताओ क्या लाऊं साहब। यार ये सभी खाने में अंधेरी क्यों लगाए हुए है? इसकी दो वजह है, एक तो ये अंधेर नगरी है इसीलिए सभी में अंधेरी लगा है, बिजली का बिल बचाने के लिए हम सारा खाना अंधेरे में बनाते हैं। बाप रे, अंधेरे में खाना और कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर खाने में गिर गए तो कैसे पता चलेगा? उसकी चिंता मत करो साहब, हमारी तरह उन्हें भी अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, वो तो यहाँ बाहर सर्विस एरिया की रोशनी में यहाँ वहाँ दौड़ते भागते दिखाई दे जाते हैं। हद है यार। अच्छा ये बताओ इनके रेट क्या क्या है? कुछ भी मंगवाओ साहब, सब कुछ एक रुपया प्रति प्लेट। क्या बात है, बस एक रुपया प्लेट? ठीक सुना साहब। सही है यार, नगरी तो ये अंधेर नगरी है, यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? वो साहब जी यहाँ प्रधानमंत्री नहीं, राजा है, चौपट राजा। अच्छा अंधेर नगरी चौपट राजा, एक रुपया भाजी एक रुपया खाजा। आप ऐसा बोल सकते हैं साहब जी, अब आप खाना ऑर्डर कर दीजिए। ठीक है मैं खाना ऑर्डर तो करूँगा, लेकिन पहले तुम्हारा किचन देखूँगा। नहीं साहब जी, वहाँ जाना मना है। नहीं भाई, खाना खाने से पहले मुझे चेक करना है कि अंधेरे में खाने के साथ तुम लोग कीड़े मकोड़े तो नहीं पका रहे। नहीं साहब, मैं आपको वहाँ नहीं जाने दे सकता। अरे जाना हटा जैसे, देखता हूँ मुझे कौन रुकता है। अरे बचाओ, मुझे धक्का दिया और मेरा मोबाइल गिरा दिया। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर, जो भी नाम हो तुम्हारा। अच्छा मजाक कर लेते हो सर। सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं करेंगे, तुम्हें फांसी पर भी चढ़ाएंगे। Oh,
अच्छा मजाक कर लेते हो सर। ये मजाक नहीं, सच है। तुम अब फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। क्या, सिर्फ एक मोबाइल गिराने पर फांसी की सजा? ये तो सचमुच अंधेर है। हैरान ना हो, मोबाइल गिराने पर नहीं बल्कि कोतवाल साहब को दी गई सजा तुम्हें दी जाएगी। लेकिन कोतवाल साहब की गलती की सजा मुझे क्यों? क्योंकि कोतवाल साहब बहुत मोटे हैं और जब भी उन्हें फांसी पर लटकाते हैं रस्सी टूट जाती है। महाराज ने बोला है कि जिस भी पतले आदमी से किसी और का मोबाइल गिर जाए तो उसे तुरंत पकड़कर फांसी पर लटका दिया जाए, और तुम काफी पतले हो। चलो ले चलो इस अपराधी को। अरे बचाओ, ये तो घोरनाद है। मुझे निर्दोष को इतनी बड़ी सजा? अपलू मेरा भाई कहाँ है तू? बचा लो मुझे। काम करता हूँ, अपलू को SMS कर देता हूँ और GPS ऑन कर देता हूँ, वो मुझे खुद ढूंढ लेगा। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? हाँ, मेरे दोस्त के आने तक रुके रहो। मैंने उसे SMS किया, वो बस आता होगा। यहाँ कोई नहीं आ सकता, ये जगह खुफिया है। और ये SMS क्या होता है, जरा बताओ तो। हद हो गई यार, तुम मोबाइल चलाते हो और तुम्हें SMS नहीं पता। टप्लू मेरे दोस्त, ये सब क्या हो रहा है और तू वहाँ पर गले में फंदा डालकर क्यों खड़ा है? यार ये कोतवाल के बदले जबरदस्ती मुझे फांसी चढ़ा रहे हैं, मुझे इनके जंगल से बचा ले मेरे भाई। अच्छा रुक, मैं कुछ सोचता हूँ। ए, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? ये है ना मेरा स्मार्टफोन, इसके साथ कहीं भी आया जाया सकता है क्योंकि इसमें गूगल पर सब पता चल जाता है। ये गुलगुलू क्या चीज है और ये इतना बड़ा मोबाइल कैसा है तुम्हारे पास? इसे मोबाइल नहीं, मोबाइल कहते हैं और इसी में गूगल है। ये गूगल बाबा भी ना बड़े कमाल का आइटम है और मैं यहाँ अपने दोस्त को कुछ खास बात बताने आया हूँ। टप्लू ला अपने कान इधर ला। हाँ तो ये बात है, ठीक है फिर तो मुझे ही फांसी पर चढ़ा दो। नहीं मेरे दोस्त, फांसी पर तो मैं चढ़ूंगा, तू नीचे उतर जा। नहीं मुझे आदेश हुआ है तो फांसी पर मैं ही चढ़ूंगा। क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? हम राजा हैं, हमें बताओ। महाराज ये दोनों ही फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ रहे हैं, समझ में नहीं आता क्या बात है। क्या बात है हमें बताओ, वरना हम दोनों को ही फांसी पर चढ़ा देंगे। महाराज की जय हो, महाराज ये स्मार्टफोन है, आपके मोबाइल से भी बहुत आगे का मोबाइल। इसमें गूगल है, इंटरनेट है जहाँ से सारी जानकारी मिल जाती है। इस पर गेम खेल सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं और भी ना जाने कितने सारे काम कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले ही इंटरनेट पर खबर आई है कि इस एक घंटे में जो भी इंसान फांसी पर चढ़ेगा उसे स्वर्ग की तरफ से इससे भी ज्यादा बढ़िया स्मार्टफोन उपहार में मिलेगा। जो पहले जाएगा वो ही स्मार्टफोन पाएगा। अरे वाह, दिखाओ दिखाओ ये मोबाइल दिखाओ। अरे वाह कमाल है, ये तो बड़ा मस्त मोबाइल है, फिर तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज, मेरे होते हुए आप ऐसा कष्ट क्यों उठाएंगे? मैं फांसी पर चढ़ जाता हूँ। महाराज ये बात गलत है, एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते ये हक मेरा है कि मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। फांसी की सजा तो मुझे मिली थी महाराज, फिर मेरा हक मुझसे क्यों छीना जा रहा है? मुझे फांसी पर चढ़ाकर न्याय कीजिए महाराज। खामोश लालची ना मुरादो, समारट खून के चक्कर में फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए? फांसी तो अब हम ही चढ़ेंगे, राजा तो हम हैं और समारट फोन पर पहला हक हमारा है। चलो लगाओ फंदा और चढ़ा दो हमें फांसी पर।